नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के उपाय पर। एपिसोड नंबर 9 की सीरीज है। बहुत सारे ग्रहों की हम बात कर चुके हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र की। इस एपिसोड में हम लगभग 30 से अधिक उपायों की चर्चा करेंगे। शुक्र के देवता हैं माता लक्ष्मी। शुक्र का वार है शुक्रवार। शुक्र का समय दोपहर का समय। शुक्र का रत्न है हीरा। शुक्र की जड़ है गूलर की जड़। गूलर की जड़। शुक्र की धातु प्लेटिनम और चांदी। शुक्र का रत्न हीरा। शुक्र के पदार्थ हैं चीनी, घी, कपूर एवं दही। इसके अलावा भी अन्य पदार्थ भी होते हैं। जब हम उपाय करते हैं तो इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। जड़ का प्रयोग हम यंत्र बनाने के रूप में करते हैं, पूजा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे लक्ष्मी जी की अगर पूजा करते हैं तो शुक्र अच्छा होता है, शुभ फल देता है, शुभ फल प्रदाता बनता है। शुक्र का पशु है गाय। शुक्र का ग्रंथ देवी पूजन। शुक्र का वृक्ष है कपास का वृक्ष। शुक्र के दिन है 50 दिन। शुक्र का एकाक्षरी बीज मंत्र शुक्र को पॉजिटिव बनाने के लिए। देखिए, हमने पहले भी बात करी थी, जब हमने सौम्य ग्रहों की बात करते हैं तो जनरली जो हम करते हैं काम, वो दूसरे ग्रहों के उपाय करते हैं, जो ग्रह उस सौम्य ग्रह को इफेक्ट करके और नेगेटिव फल प्रदान कर रहे होते हैं। जब हम हार्ड ग्रहों की बात करेंगे, जब हम शनि की बात करेंगे, जब हम राहु की बात करेंगे, हम केतु की बात करेंगे, तो डायरेक्टली उन ग्रहों के उपाय हम करेंगे। तो क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है, इसलिए ज़्यादातर जो उपाय होंगे वो दूसरे ग्रहों के होंगे। लेकिन शुक्र के बल को बढ़ाने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो शुक्र का मंत्र का अगर आपको जाप करना है तो शुक्र का एकाक्षी मंत्र होता है ओम शुम शुक्राय नमः। इसी तरह से शुक्र का तांत्रिक मंत्र होता है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। रैंडम रिलीफ के लिए या पावरफुल रिलीफ के लिए या पावरफुल रिजल्ट्स के लिए हम शुक्र के तांत्रिक मंत्र का प्रयोग करते हैं। शुक्र के जब जाप कर किए जाते हैं तो उसकी जाप की संख्या होती है 6,000। कलयुग में 4 गुना जप संख्या एवं दशांश हवन का विधान है। इसलिए अगर हम पूरा कोर्स करते हैं जाप का तो जप संख्या बन जाती है 24,000। 6 × 4 = 24,000। और इसका दशांश हवन 10% हवन 2,400, हवन का 10% मार्जन 240, और 240 का 10% तर्पण 24। तो जप हवन मार्जन और तर्पण उत्तरोत्तर 10% का इसमें रेशियो होता है। हम बात करते हैं समस्याओं की। शुक्र के कारण बनने वाली समस्याओं में हम क्या उपाय करेंगे? अगर मधुमेह से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित कोई समस्या है, या फिर शरीर के किसी बाह्य आंतरिक भाग में सूजन हो, स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, तो दोनों ही प्रॉब्लम्स के लिए हम उपाय करेंगे। प्रतिदिन मंदिर में चीनी दान करेंगे। पहले भी बताया जा चुका है कि जब हमने दूसरे ग्रहों की बात करी थी कि कोई भी उपाय करना होगा तो आपको कम से कम 7 दिन या 7 सप्ताह, या पूरा अगर कोर्स करना है तो 43 डेज। अगर हम पूरा उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। और डायबिटीज़ के लिए ये एक अच्छे उपायों में हमारा अनुभव रहा है, जब हमने कराए हैं तो डायबिटीज़ के लिए एक अच्छा उपाय है। प्रतिदिन मंदिर में चीनी दान करें और गाय को मीठे चावल खिलाएं। ये दो उपाय आपको करने हैं। पत्नी का स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो सफेद चावल पत्नी के सिरहाने रखकर सुबह जल प्रवाह करें। माता और पत्नी में झगड़ा रहता है तो कच्चे दूध से चावल धोकर जल प्रवाह करें। इसमें 2 ग्रहों के उपाय होंगे, एक तो चंद्रमा का होगा और एक शुक्र का होगा। कच्चे दूध से चावल धोकर जल प्रवाह करें, एक तो ये, और दूसरा लाल मसूर लाल कपड़े में रखकर मंदिर में दान करें। इसमें 2 ग्रहों के उपाय होंगे, एक चंद्रमा का होगा और दूसरा मंगल का होगा। यदि स्त्री अपशब्द कहने वाली हो,
पत्नी अपशब्द कहने वाली हो। गाय को पके चावल खांड एवं घी मिलाकर खिलाएं, रेगुलर खिलाएं, इससे शुक्र पॉजिटिव रेस्पॉन्स करेगा। घर में नीला काला कोट बिना प्रयोग का रखा हो, कांच की बोतल में जौ भरकर रखें, कहीं ना कहीं राहु एक्टिवेट हो रहा है जो शुक्र को इफेक्टिव कर रहा है। अगर घर में नीला काला कोट बिना प्रयोग के रखा होता है तो कहीं ना कहीं घर में तनाव का माहौल बनता है, टेंशन का माहौल बनता है, झगड़े का माहौल बनता है, षड्यंत्र की स्थिति पैदा होती है, लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे होते हैं। देखिए, नीला काला कोट बिना प्रयोग का इट मीन्स कि आपने राहु को अपने घर में स्थापित कर दिया है, और अगर ये रेगुलर यूज़ करते हैं तो इफेक्ट नहीं होगा। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ग्रहों के सिम्टम्स होते हैं, जो अनुभव में ऐसा आया है कि जब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसमें घर में नीला या काला कोट का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं राहु एक्टिवेट हो चुका है, तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। कांच की बोतल में जौ भरकर रख दें। पत्नी या माता में से किसी को नेत्र पीड़ा रहती है तो सूर्य को प्रतिदिन जल दें और कन्याओं को मीठा भोजन खिलाएं। विधवा या निम्न स्तर की महिला से प्रेम संबंध हो तो शुक्र के मंत्रों का नियमित जप करें और मंदिर में चीनी दान करें। विधवा या निम्न स्तर की महिला से प्रेम संबंध का सीधा सा मतलब ये हो गया कि आपने अपने शुक्र को स्वयं खराब किया हुआ, इसको नेगेटिव बनाया हुआ है, तो शुक्र के मंत्रों का नियमित जप करें और मंदिर में चीनी दान करें। कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि आप स्टेप तो ले लेते हैं लेकिन बैकफुट पे आना आपके हाथ में नहीं होता है, तो ये उपाय एक माहौल क्रिएट करते हैं कि उन परिस्थितियों से आप निकल पाएंगे। धन के लिए संघर्ष बना रहता है। देखिए, धन का कारक शुक्र होता है, लग्जरियस लाइफ का कारक शुक्र होता है। हमने बात करी थी एपिसोड नंबर आठ में चर्चा करी थी शुक्र ग्रह की, तब हमने उसमें विस्तृत रूप से चर्चा करी थी कि एक लग्जरियस लाइफ का, भौतिक सुखों का कारक शुक्र है। तो धन के लिए अगर स्थिति हमें देखनी होती है तो क्योंकि भौतिक सुखों का जो अवेलेबिलिटी है, भौतिक सुखों की अवेलेबिलिटी धन के माध्यम से ही होती है, तो अगर धन के लिए संघर्ष बना रहता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शुक्र इफेक्टिव हो रहा है, नेगेटिवली वर्क कर रहा है। तो देवी पूजन करें और गाय को मीठे चावल खिलाएं, ये दो काम आपको करने हैं धन के लिए संघर्ष अगर हो रहा है तो। ठीक है, तो अभी हमने बात करी शुक्र की, नेक्स्ट एपिसोड जब होगा तो हम बात करेंगे शनि की। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।